प्रावधिक शिक्षा सीएम देवराज जी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन से अनिल कुमार जी, प्रावधिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ ही श्रम और सेवा योजन विभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, यूपी बड़ौदा बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए प्रदेश शासन के अधिकारीगण, बैंकर्स और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब क्या हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हरेक गांव को, हरेक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया, इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है, जिन्हें नहीं हो पाता है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा, इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य
उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, भारत की हमेशा से मान्यता रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है। तो फिर यानी अगर कोई अयोग्य है तो इसका मतलब उस समाज में मार्गदर्शक नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, जहां योजक नहीं वहीं पे कोई अयोग्य हो सकता है, अन्यथा अगर अच्छे मार्गदर्शक हैं तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल सकता है। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1,10,00,000 युवा, जिन्हें अपने ही गांव अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। ये 1,10,00,000 युवा अगर उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित हो जाए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन्हें प्रशिक्षित कर लेंगे, तो कहीं से बाहर से किसी व्यक्ति को आने की नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का युवा स्वयं उसमें रोजगार और नौकरी स्वयं प्राप्त कर लेगा। आप याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, लोग कहते थे क्या होगा इससे, ये तो मर चुका है, इसमें काहे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैंने कहा ये मरा नहीं है, मरी उन लोगों की सोच है जो इसको मृत बोल रहे हैं। ये जीवंत है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इसको पैकेजिंग के साथ जोड़ेंगे, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ेंगे। और परिणाम क्या हुआ, हमने 18 में योजना शुरू की, जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप कहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देके 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। जो राज्य उन्हें संभाल नहीं पाए थे, जो राज्य उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, वे राज्य कोरोना की प्रथम वेव से समाप्त हुई, मुझे फोन करते थे हमारे यहां लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, यूपी से कुछ लोगों को भेज देते। तो मैंने कहा क्या यूपी के लोग इतने फालतू हो रखे हैं कि जहां मर्जी वहां भेज दो उसको। अब यूपी का आदमी यूपी के अंदर ही काम करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है, और मुझे इस बारे में कहने में कोई संकोच नहीं कि जो भी कारीगर और कामगार उत्तर प्रदेश में आया, जितना प्रतिशत वह आया उतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और जिन राज्यों को छोड़ा, जिन राज्यों से जितने प्रतिशत लोग वहां से प्लान किए, वहां की अर्थव्यवस्था में उतना ही नकारात्मक पहलू देखने को मिला है। ये चीजें दिखती हैं कि अगर हर व्यक्ति किसी न किसी रोजगार और काम धंधे में लगा रहता है तो वह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, समाज में खुशहाली का आधार बनता है। और आज तो अनेक ऐसे अवसर हैं, इंडस्ट्री की बात मैंने की आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मैंने आपको रोजगार की बात की, और एक और नया पहलू, मैं कल अयोध्या में था, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में
कुल मिलाकर के जो लोग आते थे हर एक प्रकार के टूरिज्म में, वे धार्मिक टूरिज्म भी हो, वह हेरिटेज टूरिज्म भी हो, वह इको टूरिज्म भी है, और भी अन्य तमाम प्रकार के पर्व और त्योहार जितने सभी इसमें आ जाते थे, कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती थी 3 करोड़। 17 के पहले 3 करोड़ लोग यूपी में आते थे, और आज कितने आ रहे हैं? 32 करोड़। 32 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये 32 करोड़ जो आ रहे हैं, ये 32 करोड़ की ताकत को समझिए। ये 32 करोड़ केवल टूरिस्ट नहीं है, ये 32 करोड़ जब लोग आएंगे तो किसी को टैक्सी चाहिए होगी, किसी को रेस्टोरेंट में भोजन करना होगा, किसी को होटल में रुकना होगा, किसी को कोई सामान खरीदना होगा, किसी व्यक्ति को कोई अन्य सेवा लेनी होगी, मंदिर में जाना होगा तो प्रसाद खरीदता होगा, फूल पत्ती खरीदता होगा, वहां पर कुछ अन्य कार्यों में के साथ जुड़ता होगा, और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कल मैं देख रहा था अयोध्या में ही होम स्टे के लिए, यानी जो लोग बहुत बड़े बहुत लोग होते हैं जो महंगे होटल में नहीं रह सकते, धर्मशाला में जगह नहीं, उस व्यक्ति के लिए होम स्टे। बहुत सारे लोग होते हैं वे चाहते हैं कि नहीं मैं परिवार के साथ जा रहा हूं, मुझे परिवार जैसा वातावरण मिले, इसके लिए होम स्टे। सस्ते में पारिवारिक वातावरण भी मिला। आप आश्चर्य करेंगे, अकेले अयोध्या में कल हम लोगों ने 450 ऐसे होम स्टे को होली अयोध्या के रूप में उसे वहां पे कल रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और यह संख्या 1500 से ज्यादा होने जा रही है जो मुझे कल बताया गया। यानी आपके लिए होटल के क्षेत्र में, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, टैक्सी के लिए, आपके लिए होम स्टे के लिए, और पढ़े लिखे युवा के लिए योग्य गाइड के रूप में भी कार्य करने के अवसर होते हैं। जो मंदिरों में, धर्मस्थलों में फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, उस फूल पत्ती को चढ़ाने के बाद अगले दिन फेंक दिया जाता है। कुछ लोग महिला स्वयंसेवी समूह या कुछ लोग उसको एकत्र करके, सभी धर्मस्थलों से एकत्र होकर के, अगर उसी से धूप बत्ती इत्र आदि बनाने का काम लोग करने लग जाएंगे, नए रोजगार का सृजन उससे भी होगा। यानी वेस्ट को वेल्थ में बदलने की भी एक कला इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैंने कहा अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, अयोग्य कोई नहीं है, एक योग्य योजक की आवश्यकता है, और यह रोजगार मेला उसी योजक के रूप में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है कि आपको कैसे अपना राह मार्ग बनाना है। डबल इंजन की केंद्र या राज्य दोनों सरकारें इस दिशा में आपके लिए तमाम प्रकार के आयोजन कर रही है, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रहा था अभी आज 120 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, लेकिन मैं प्रशासन से भी और इन सभी विभागों से कहूंगा अन्य युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन सबका करवाइए, इंडस्ट्री के साथ जोड़िए, किसी को चीनी मिल के साथ, किसी को IGL के साथ, किसी को गाइलैंड के साथ, किसी को TMX अंकुर के साथ में, किसी को तमाम अन्य जो डेयरी जुड़ी हुई है, डेयरी खुली हुई है आपके गोरखपुर में, अभी डेयरी ज्ञान डेयरी का हम लोगों ने जो CP मिल्क प्रोडक्ट का उद्घाटन किया था, इनके साथ जोड़िए। यहाँ पे हम लोग अभी तमाम अन्य कार्यक्रमों को, फ्लैटेड फैक्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, इन सभी के साथ इन यूथ को जोड़िए, और हर युवा अगर वहां जुड़ जाएगा तो इन्हीं युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी कर रही है, जिससे टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से इन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके।
प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है। एफपीओस का गठन आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से तमाम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज रोजगार मेला का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, युवा बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं। मैंने अयोध्या में आज देखा, अभी गोरखपुर आने के पहले अयोध्या में मैंने 51 परिवहन निगम की बसेज को फ्लैग ऑफ किया, उनको झंडी दिखा करके रवाना किया। आप आश्चर्य करेंगे, सभी 51 बसेज में चालक भी परिचालक भी दोनों महिलाएं हैं। यानी महिलाएं ऐसे आज हरेक क्षेत्र में अपने को सक्षम पा रही हैं, यह दृश्य भी मैंने आज अयोध्या में देखा। और ये उनके लिए कुछ भी आज अछूता नहीं है, फाइटर पायलट बन रही हैं बेटियां, परिवहन निगम की बसेज को चला रही हैं बेटियां, हर एक क्षेत्र में वे अग्रणी स्थान पर हैं। तो रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दृश्य हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहां पर यूपी बड़ौदा बैंक, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देश में सबसे बड़ा बैंक है और मैं इनसे कहूंगा कि इस दिशा में और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गोरखपुर में बैंकों का शेड्यूल रेशो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम है। जितना पैसा लोग जमा कर रहे हैं उतना पैसा लोन के रूप में लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है, संतुलन होना चाहिए। अगर लोगों को रोजगार के लिए पैसा प्राप्त हो जाए, उनका रोजगार के लिए पैसा प्राप्त होने के पहले उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाएं हैं, जिसमें पीएम मुद्रा योजना की भी है, पीएम स्टैंडअप की योजना भी है। इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित होकर के बेहतर प्रयास किया जा सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग को, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग को, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए विभागों को और बैंकर्स को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो युवा यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं और जो युवा आज यहां आए हैं वे निराश न हों, प्रयास करें। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं इसको चयन करिए, उसमें प्रशिक्षण ले लीजिए, उन्हें रोजगार की गारंटी सरकार देगी, उनके लिए रोजगार और नौकरी की कमी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो हमें हर घर नल की योजना में प्लंबर चाहिए, एक गांव में एक प्लंबर की तैनाती हो सकती है, एक गांव में एक प्लंबर। 1,08,000 गांव है यूपी में, याद करिए कितने लोगों को मिलेगा। पीएनजी जो रसोई गैस है अभी तक सिलेंडर में आ रहा है, अब ये पाइपलाइन से भी बिछाई जा रही है। पाइपलाइन से जितना व्यक्ति खर्च करेगा, मीटर लगा रहेगा, उसी के हिसाब से वह खर्चा होगा। इसके लिए भी प्लंबर चाहिए, प्लंबरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके ट्रेड होने चाहिए, उनको ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको। इसके साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बेटियों के लिए बीसी सखी, आप याद करिए पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, तब हमने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग
क्रॉस्पोंडेंट सखी का चयन हो चुका है और क्रॉस्पोंडेंट सखी के माध्यम से आज वे वित्तीय लेन देन का सारा काम गांव के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए 56,000 ये बेटियां ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी दी। मुझे अभी एक विशेष सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही है, 15,000 से 25,000 रुपए प्रतिमाह, यानी इतना उसके पास कमीशन आ जाता है बैंक का और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वे भी इतना पैसा कमा दे रही है। भदोही से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा लेते हैं, उसने कहा 12,000 से 15,000 हर महीने कमा ले रहे हैं। यानी घर में बैठे बैठे रोजगार का भी सृजन और घर गृहस्थी का भी सफलतापूर्वक संचालन, ये सभी काम एक साथ हो सकते हैं। हमें थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और याद रखना जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ते एक बार चुन लीजिए किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ, आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज महाअष्टमी की तिथि है, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि, इस तिथि पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल महानवमी है, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली माँ दुर्गा की अनुष्ठान की तिथि और परसों विजयादशमी, ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों तिथियों के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत जननी माँ भगवती और प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।